अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे आईकॉम पार्ट वन चैप्टर नंबर एट बैंक कॉन्सलेशन हमने स्टार्ट की है अब तक हम इसके सिक्सटीन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं आज की वीडियो में हम आपसे सवाल नंबर सत्रह डिस्कस करेंगे और आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट से समझाएंगे लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप हमारी ये वीडियो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन भी प्रेस कर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में चूंकि ऑनर का नाम नहीं है तो हम जनरली ट्रेडर ही मेंशन करते हैं और बैंक रिकाउंसलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं किस डेट के ऊपर एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू फॉर्मेट वही है सीरियल नंबर पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट और अमाउंट रुपीस इसके बाद हम हमेशा की तरह क्वेश्चन पर जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कह रहा है अ ट्रेडर है टू बैंक अकाउंट्स अकाउंट नंबर वन एंड अकाउंट नंबर टू एक ट्रेडर है उसके दो बैंक अकाउंट्स हैं अकाउंट नंबर वन है और अकाउंट नंबर टू फॉलोइंग पर्टिकुलर आर रिलेटिंग टू द अकाउंट नंबर वन जो हमें डेटा दिया गया है वो अकाउंट नंबर वन का है और क्या डाटा दिया गया है पासबुक बैलेंस ओवर ड्रॉन ओवर ड्रॉन मतलब अनफेवरेबल तो हम लिखेंगे ओवर एज पर पासबुक और फेवरेबल बैलेंस पासबुक का क्रेडिट होता है जबकि अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक का क्या होता है डेबिट और अमाउंट इसकी आ जाएगी सिक्सटी थाउजेंड तो आपको बताया था कि हमेशा चार बैलेंसेस में से दो कैश बुक के हैं दो पासबुक के हैं दो फेवरेबल हैं दो अनफेवरेबल हैं तो एक बैलेंस जो है वो लाजमी गिवन होगा और इस क्वेश्चन में ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन है उसके बाद चेक ड्रॉन प्रायर टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कह रहा है इकतीस मार्च दो हज़ार बाईस से पहले चेक इशू कर दिए थे ड्रॉ कर दिए थे बट नॉट प्रजेंटेड सिक्सटीन थाउजेंड हम काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं और कम्प्लीट कॉन्सेप्ट तो हमारी इस प्लेलिस्ट की सेकेंड और थर्ड वीडियो में मौजूद है अनप्रजेंटेड चेक्स का बेसिकली हमने इशू कर दिया है कैश में बैलेंस क्या हो गया बैंक का डिक्रीज बैंक के पास बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है तो जब बैंक में प्रजेंट होंगे बैंक पेमेंट कर देगा अपने पास डिडक्ट करेगा माइनस करेगा तो बेसिकली बैंक का माइनस करना क्या होता है डेबिट और हमने सीखा था कि अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा जब भी हम ठीक करेंगे पासबुक में करेंगे और क्या करेंगे उसको डेबिट कर देंगे तो मिस्टेक नंबर टू है अन प्रिजेंटेड चेक्स डेबिट है और अमाउंट आ जाएगी सिक्सटीन थाउजेंड थर्ड है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बैंक ने डेबिट किया है अभी हमने पढ़ा है कि बैंक डेबिट कब करता है जब पेमेंट करता है इसका मतलब पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में बैंक का बैलेंस कम शो हो रहा है और साथ उसने मेंशन कर दिया है नॉट इंटर इन कैश बुक इसका मतलब एक एक्सपेंस जो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुका है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ इट मीन्स कि कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हुआ जब कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे उससे बैंक का बैलेंस कम होगा बैंक का बैलेंस कम होगा एसेट्स कम होंगे एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट होगा बेसिकली तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक कैश बुक में इसको क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक क्रेडिट कर देंगे इसको हम 1600 सो से 1600 हंड्रेड नेक्स्ट है ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर टू टू अकाउंट नंबर वन याद रहे कि हमारा जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर वन है हमारे दूसरे अकाउंट से हमारे इस अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे तो कैश बुक में बैंक को डेबिट करना था और बैंक स्टेटमेंट में बैंक को क्रेडिट करना था हुआ क्या है वाज रिकॉर्डेड बाई द बैंक इट मीन्स कि बैंक रिकॉर्ड कर चुका है बैंक का बैलेंस बढ़ गया बैंक ने क्रेडिट कर दिया है नॉट इंटर इन कैश बुक और जब हमें यह हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं तो पासबुक क्रेडिट कर चुका है कैश बुक ने अभी तक डेबिट नहीं किया तो बेसिकली कैश बुक में इसको हम डेबिट कर देंगे ट्वेल्व थाउजेंड और लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर टू टू अकाउंट नंबर वन और लास्ट हमारे पास है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक इसका मतलब बैंक चार्जेस एक्सपेंस है बैंक ने ये एक्सपेंस क्या कर लिया है रिकॉर्ड कर लिया है जब बैंक ने ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है तो बैंक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा होगा कम शो हो रहा होगा एज कंपेयर टू द कैश बुक तो पासबुक रिकॉर्ड कर चुका है कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया और कैश बुक में जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है कम होने का मतलब क्रेडिट होता है तो बेसिकली इस एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए रिकॉन्साइल करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे फोर्टी और यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक और ऊपर है ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक नीचे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक ऊपर पासबुक हो तो नीचे कैश बुक आएगा ऊपर कैश बुक हो तो नीचे पासबुक नंबर वन नंबर टू ऊपर बैलेंस डेबिट हो तो तमाम डेबिट वाली वैल्यूज़ ऐड होंगी सिक्सटी थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड क्रेडिट वाली वैल्यूज लेस होंगी लेस सिक्सटीन हंड्रेड फिर डेबिट वाली ऐड होगी ट्वेल्व थाउजेंड क्रेडिट वाली फोर्टी लेस होगी तो हमारे पास आ जाएगा एट सिक्स थ्री सिक्स ज़ीरो आंसर पॉजिटिव आया है ऊपर डेबिट तो नीचे क्रेडिट इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट आया है पासबुक का बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल गिवन था और कैश बुक का बैलेंस भी अनफेवरेबल ही आया है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन था जो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं अल्लाह हाफिज़